फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये क्लास 10 के चैप्टर 6 में केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट के अंदर हम लास्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसको हमने कंप्लीट कर सके थे हम लास्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। नहीं, आज हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप रिएक्शन का। जो सेकंड टाइप है केमिकल रिएक्शन का, वो है डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल जो है वो है डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो इसमें क्या होगा। डिसोसिएशन रिएक्शन में या डिकम्पोजिशन में, एडिशन में क्या पढ़ रहे थे हम, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स आर टूगेदर कम्बाइन, है ना, एक साथ जुड़ते हैं एंड फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, उसको तो एडिशन या कॉम्बिनेशन बोल रहे थे। यहाँ क्या होगा, एक सिंगल कंपाउंड टू और मोर देन टू कंपाउंड्स में, सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक होगा, टूटेगा, उसको बोलेंगे हम डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक सिंगल कंपाउंड होगा ए बी, और वो किस किस में टूटेगा, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड यानी ए प्लस बी में टूट जाएगा, इसको बोलेंगे हम डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में टूटेगा, उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको बोलेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें, जैसे कि H2O है, वाटर है, जब ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, वाटर जब ब्रेक डाउन होगा तो H2 प्लस O2 में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल हो जाएगा, जैसे बेकिंग पाउडर का हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, बेकिंग पाउडर जब इसको हीट करते हैं हम, इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 और CO2 गैस देता है और वाटर ये देता है, ठीक है, टूटेगा ये भी, ये हो जाएगा बेकिंग पाउडर। ये भी कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बेकिंग पाउडर, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड है ही है और ये वाटर है, ठीक है, इस तरह से ही टूट जाएगा। ये भी क्या है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, नोट कर लीजिए इसको। अब इसके थ्री टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन के, देर आर थ्री टाइप्स, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन डिसोसिएशन ही बोलते हैं, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है इसमें, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके तीन टाइप हैं, नंबर वन थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन,
नंबर टू हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर थ्री हो जाएगी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें? थर्मल में क्या होगा, कोई भी कंपाउंड हीट करने पे टूटेगा गर्म करने से। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा, कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने से टूटेगा। और थर्ड में क्या होगा, फोटोकेमिकल में, इसमें कोई भी कंपाउंड लाइट की प्रेजेंस में टूटेगा। ठीक है, ये होते हैं तीनों टाइप। नंबर वन टाइप के बारे में स्टडी करते हैं हम, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या है देखो, इसमें क्या होगा, द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच द कंपाउंड ऑन हीटिंग, यदि कंपाउंड ब्रेक डाउन ब्रेक्स डाउन और डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, जब कोई कंपाउंड हीट करने से टूटता है, इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इज नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की थी सोडियम कार्बन, ये बेकिंग पाउडर की, ये हीट करने से टूट रहा है, ये किस में आ जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन में आ जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे टूटेगा, ये हीट का साइन है ट्राइंगल, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस CO2 में, ये कार्बन डाइऑक्साइड है ही, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करने से टूट रहा है इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट जब ब्रेक होगा तो पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में टूटता है, ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, ये ऑक्सीजन है ही, पोटेशियम क्लोराइड, अरे पोटेशियम क्लोराइड, इसको बैलेंस कर लो, इसको यहाँ टू लगा देंगे, इधर टू लगा देंगे और इधर थ्री लगा देंगे। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड ये हो जाएगा। इसके अलावा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये टूटेगा NaNO2 में प्लस O2 में। ठीक है, ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, और ये हो जाएगा सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, ये सारी कौन सी हो जाएंगी, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएंगी। बेकिंग पाउडर वाली भी सीमें आ जाएगी, लिखना चाहो तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर NaHCO3, उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, या सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये टूटेगा किस किस में, Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस H2O। ठीक है, बेकिंग पाउडर है ये,
इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये तो जाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन। नंबर सेकंड की बात करते हैं फिर इसी में ही, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने से टूटेगा। क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इन द सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, ठीक है, टू डिसोसिएट इट, इसको डिसोसिएट करने में यानी तोड़ने में, इस कंपाउंड को तोड़ने में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल जैसे वाटर है H2O, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने से क्या होगा, ये H2 और O2 में टूट जाता है इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या करते हैं इसके लिए, इसके लिए क्या करते हैं, देखो एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में हम वाटर फिल कर लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, हम दो इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे और इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल होता है, ठीक है, जो प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं हम एनोड, और जो माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं कैथोड। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर क्या है, इसके आयन्स में टूटने लग जाता है, H+ और OH- आयन्स इसमें टूटेगा ये, तो यहाँ पे H+ OH- आयन्स में टूटने की वजह से जो H+ आयन्स है वो अपने से अपोजिट चार्ज की तरफ फ्लो करते हैं, यानी हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ, नेगेटिव वाले की तरफ, और OH इसमें से ऑक्सीजन रिलीज होकर कहाँ चली जाती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये पॉजिटिव की तरफ चलता है, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव तरफ जाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलती है इसमें एनोड पे, एनोड पे क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, इस तरह से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसी में ही NaCl है, NaCl इसमें भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, और ये Na और Cl2 इसमें ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक करंट का है, टूट रहा है इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने से। इसी के अलावा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, तो किस किस में टूटेगा, एल्यूमिनियम में और ऑक्सीजन में टूटेगा ये, ठीक है, ये भी कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर थर्ड, थर्ड रिएक्शन है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
सिमिलैरिटी की प्रेजेंस में टूटेगा, फोटोलाइटिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है, फोटोकेमिकल को फोटोलाइटिक भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा इसमें, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड डीकम्पोजेज टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम लाइट, लाइट से एनर्जी लेके फिर टूटता है, इज नोन एज फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करते हैं इसमें, जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोलते हैं इसे, ये जब ब्रेक होगा तो ये H2 और Br2 गैस रिलीज करता है, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, ये क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं इसी में ही, तो H2O2 है जिसको हाइड्रोजन परॉक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन परॉक्साइड, ये भी जब टूटेगा लाइट की प्रेजेंस में टूटेगा और क्या देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देगा ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड की, सिल्वर क्लोराइड ये भी टूटेगा तो Ag और Cl2 में टूटेगा और किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, इसी को हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए इसको, तो इसी के साथ में फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ में ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो रिएक्शन हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।